Hello dear learners, welcome to our channel and today I am going to discuss class 6 Purvi English new version unit 4 the winner. Okay, the winner. So I will explain your poem, then we will do question answer. The winner. First of all we will read the poem, then I explain, okay? So your poem is, let's read. Evenings we play ball next to the creek in our neighbor's field, and we run so fast I can't even catch my breath. The poet want to say that, and the poem describe a playfully evening spent playing ball next to a creek. Creek in the sense river. The poem captures the feelings of joy, freedom and the excitement of the childhood. Now, when the blue dark turns to black, cold grasses assess our fates, trees chip close and games over, night wanes. So the traditions and transition from the day to the night symbolizes the end of the day, okay? And the arrival of the darkness, so they are, this is the imagery of the nature and such a grass and trees and enhance the experience of the setting, okay? इस कविता में आपको क्या मिलेगा कि बच्चों का एक ग्रुप है जिसमें शाम के समय बच्चे पड़ोस के खेतों में बॉल खेल रहे होते हैं. वो इतनी तेज़ दौड़ते हैं कि उनकी सांसें फूल जाती है, और जैसे जैसे आसमान का रंग काले में बदलने लगता है, डार्क होने लगता है, ठंडी घास उनके पैरों में चुभने लगती है और पेड़ पास आते हुए महसूस होते हैं. अंततः क्या होता है, बढ़ती हुई रात खेल को ख़त्म कर देती है और रात जीत जाती है. इसमें विनर इसी को कहा गया है कि रात जीत जाती है. और इस पोएम में जो गेम का, जो खेलने का जो एक्साइटमेंट है, वो समय के साथ और दिन के साथ स्वाभाविक रूप से ख़त्म हो जाती है, एक अंत को दर्शाती है. ओके, नाउ you can see this picture. This picture is already given in your chapter, your poem. अब यहाँ पर सवाल दिए गए हैं. ये देखो, ये शेडो जो बनता है ये कब बनता है? ये ऑब्वियसली बात है ना कि ये या तो सुबह या शाम के टाइम पे बनता है. जो आपकी शेडो बनती है शाम के टाइम पे, बच्चे खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में. सो अब आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर दिस चिल्ड्रंस डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, वेयर डू यू थिंक दे आर, क्या सोच रहे हैं वे लोग, कहाँ, आपको क्या लगता है कहाँ है वो लोग. व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द डे, और कौन सा समय रहा होगा. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर द विनर. ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर्स, यू कैन सी क्लियरली. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, what are these children doing, your answer will be, these children are playing, kya kar rahe bacche, khel rahe hain. Next one, where do you think they are, I think they are in a park or a ground, kahan hai bacche, ground mein ya koi park mein. Next one, she number question is, what is the time of the day, kaun sa samay raha hoga. So as the shadow of the children are long, बच्चों का शेडो कैसा है, लॉन्ग लॉन्ग है ना, तो ये क्या रहा होगा, इवनिंग और मॉर्निंग. नाउ विच गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग, कौन सा गेम तुम्हें पसंद है. क्वेश्चन नंबर टू, डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. यू मे बिगिन योर सेंटेंसेस विथ, now here is few lines you have to read carefully. I go to, I play with, the place I go to for
प्लेइंग एंड आई लाइक प्लेइंग, समटाइम्स आई कम बैक। तो ये लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको वन बाय वन इसका आंसर करना है। इस लाइन्स को पढ़ करके जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ना, यू हैव टू रीड केयरफुली, देन यू हैव टू रिप्लाई और आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर ए, व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल, आप स्कूल के बाद कब खेलने जाते हैं। तो आंसर विल बी आई गो टू द इवनिंग टू प्ले, स्कूल के बाद कब खेलने जाते हैं, शाम में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर बी, हु डू यू प्ले विथ, तुम्हारे साथ कौन खेलता है। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डू यू गो टू प्ले इन इवनिंग, शाम को खेलने के लिए आप कहाँ जाते हो। सो आई गो टू पार्क, आई गो टू द पार्क इन इवनिंग टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं पार्क जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, विच गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग, कौन सा गेम आपको खेलना पसंद है। सो आई लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड हाइड एंड सीक, फुटबॉल और छुपन छुपाई मुझे पसंद है। नाउ ई नंबर क्वेश्चन, व्हेन डू यू कम बैक होम, कब घर आते हो आप खेल करके। आई कम बैक आफ्टर सनसेट, कि मैं सूरज ढलने के बाद खेल कर आता हूँ। नाउ यू हैव अ फिल इन द ब्लैंक्स, सो रीड दिस पोएम एंड कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोएम। अब यहाँ पर ये पोएम दिया हुआ है, कुछ लाइनें दी हैं, आपको इनको फिल करना है। जैसे है, द चिल्ड्रन प्ले डैश इन द नेबर्स फील्ड डैश डैश डैश। सो आई ऑलरेडी फील्ड फॉर यू दैट, द चिल्ड्रन प्ले बॉल इन द इवनिंग, ये जो डार्क वाले दिख रहे हैं ना, यही आपको फील करने हैं, राइट। सो द चिल्ड्रन प्ले बॉल इन द इवनिंग इन द नेबर्स फील्ड एंड दे रन सो फास्ट दैट दे रन आउट ऑफ द ब्रेथ, दे कंटिन्यू टू प्ले टिल द इवनिंग व्हेन द ब्लू स्काई टर्न्स ब्लैक एंड द ट्रीज आर नॉट विजिबल, दे कैन फील देयर फीट एक एंड नाउ दैट इज कोल्ड, फाइनली दे स्टॉप प्लेइंग एंड गो होम एज इट इज नाइट, जब रात होती है तो ही वो लोग घर जाते हैं। नाउ द अनदर क्वेश्चन, रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर दिस क्वेश्चंस दैट फॉलो, फिर से एक अगेन वी हैव अ लाइन, एक लाइन है फिर से उसको पढ़ना है और फिर से सवालों के आंसर करने हैं। वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, इतना तेज दौड़ता है कि सांस फूलने लगती है। अब आपको इसके बेस पे आंसर करना है। कंप्लीट दी सेंटेंस गिवन बिलो विथ योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, चार ऑप्शन हैं देखो, और आपको कंप्लीट करना है। द स्पीकर नीड्स टू कैच हर ब्रीथ बिकॉज, फर्स्ट वन इज एवरीवन डिसाइड्स टू वॉक, सेकेंड ऑल दी फ्रेंड्स विश टू गो होम, थर्ड रनिंग फास्ट रिजल्ट इन बीइंग ब्रेथलेस एंड द फोर्थ दे नीड टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो योर ऑप्शन विल बी आंसर ऑप्शन सी, रनिंग फास्ट रिजल्ट इन बीइंग ब्रेथलेस, इतना तेज दौड़ता है कि सांसें फूलने लगती है। क्वेश्चन नंबर टू इज द स्पीकर अलोन, क्या वहाँ पर स्पीकर अकेला है। वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। सो योर आंसर विल बी नो, द स्पीकर इज नॉट अलोन देयर, द यूज ऑफ बी रन सो फास्ट, क्योंकि उसमें क्या बोला है कि हम लोग, तो अकेला कैसे हो सकता है, बहुत सारे बंदे हैं ना उसके साथ। इंडिकेट दैट देयर आर अदर विद द स्पीकर लाइकली फ्रेंड्स और द कंपेनियन, तो या तो उनका दोस्त हो सकता है या उनके साथी हो सकते हैं। नाउ द थर्ड वन, व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइंस टेल अस, सो कौन सा पैटर्न है लाइनों में, हमें बताइए। योर आंसर विल बी द पैटर्न्स इन द लाइन सजेस्ट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी ऑफ एक्साइटमेंट एंड द रिपीटेशन ऑफ द एक्शन वी रन सो फास्ट एम्फसाइजेस द स्पीड एंड द इंटेंसिटी ऑफ देयर मोमेंट। क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो लाइनें दी हुई हैं वो सजेस्ट कर रहा है अर्जेंसी ऑफ और एक्साइटमेंट को सजेस्ट कर रहा है, बच्चों
के एक्साइटमेंट को सजेस्ट कर रहा है ना, दे आर वेरी एक्साइटेड, और रिपीटेशन वर्ड हुआ है ना, वी रन सो फास्ट, बार बार बोला गया है, ये किसको एम्फेसाइज कर रहा है? तो इसके स्पीड और इंटेंसिटी को और इनके मूवमेंट को रिपीटेशन कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। नाउ बी नंबर, व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, कोल्ड ग्रास एक्स आवर फीट एंड ट्रीज सीप क्लोज, गेम्स ओवर नाइट विंस, गेम खत्म हो जाती है, रातें जीत जाती है, कब? जब नीला आकाश ब्लैक हो जाता है और हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, कोल्ड ग्रास चुभने लगती है, और ऐसा लगता है कि ट्रीज और क्रॉप्स क्या हो रहे हैं, हमारे बहुत क्लोज आ रहे हैं ड्यू टू दी शेडो। ऐसा क्यों फील होता है? शेडो के कारण होता है। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, गिव वन रीज़न वाई द ग्रास इज कोल्ड, एक रीज़न देके बताइए कि घासें ठंडी क्यों हो जाती है। देन योर आंसर विल बी, द ग्रास इज कोल्ड बिकॉज इट इज इवनिंग टाइम एंड द टेम्परेचर टिपिकली ड्रॉप्स एज नाइट अप्रोचेस। तो क्यों ग्रास कोल्ड हो जाती है? क्योंकि शाम का समय हो जाता है, टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है क्योंकि रात का वक्त होने लगता है। नाउ द कंप्लीट द सेंटेंसेस सुटेबली, अब आपको कंप्लीट करना है सुटेबल सेंटेंस के साथ। द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग बिकॉज, बच्चों के पैर में दर्द होने लगता है क्यों? योर आंसर विल बी, द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग बिकॉज दे हैव बीन रनिंग एंड प्लेइंग बेयर फुट, खाली पैर खेलते हैं इसीलिए, ठंडे ग्रास में वो खाली पैर खेलते हैं इसीलिए उनका पैर में दर्द होने लगता है और चुभने लगता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज नाइट विन, रात कैसे जीत जाती है? बिकॉज नाइट विंस बिकॉज द, यू हैव टू फिल इन दिस लाइन्स विद द ऑप्शंस, ओके? सो फर्स्ट ऑप्शन इज टाइम फॉर प्ले हैज एंडेड, चिल्ड्रंस आर टायर्ड, टाइम टू प्ले एट होम बिगिंस एंड नाइट ओवर डेज, नाइट फ्लोज डेज। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टाइम फॉर प्लेइंग हैज एंडेड, ये खेलने का समय समाप्त हो चुका है, रात हो गई है, घर जाना है। नाउ द अनदर क्वेश्चन, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल एंड सी व्हाट द पोइट हैज डन इन द पोएम, द विनर में पोएम ने क्या डन किया है। अब आपको यहाँ पे टेबल देखिए और टेबल के अकॉर्डिंग फिल करना है। आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, कि मैं इतना तेज़ दौड़ता हूँ कि मेरी अपनी सांसों को नहीं पकड़ पाता हूँ, थक जाता हूँ, हाँफने लगता हूँ। दिस टेल अस दैट चिल्ड्रंस आर रियली आउट ऑफ द ब्रेथ, द पैटर्न इज यूज टू हाईलाइट देम बींग आउट ऑफ ब्रेथ, है ना? तो ये सब हो रहा है। अब इस पे आपको क्या करना है, एक अलग क्वेश्चन दे दिया है। नाउ ट्राई टू राइट सम एग्जांपल्स, अब आपको एग्जांपल्स बोला है कि भाई लिखो, योर ओन फॉर बोथ, यूज योर इमेजिनेशंस व्हेन क्रिएटिंग दीज एग्जांपल्स, ठीक है? तो कुछ एग्जांपल्स देने हैं, तो ये देखो मैंने आप लोगों के लिए दे रखे हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, वेव्स क्रैश एंड रोर एंड क्रैश एंड रोर, क्रैश एंड रोर। सेकेंड वन है, द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स थ्रू द ट्रीज, पेड़ों से हवा फुसफुसाकर बात कर रही है। रेन ड्रॉप्स डांस एंड स्लैब्स, डांस एंड स्लैब्स, डांस एंड स्लैब्स, कि जो रेन ड्रॉप्स है वो उछल रही है, डांस कर रही है, छपछपा रही है। नाउ द अनदर क्वेश्चन, द पोइट हैज टॉक्ड अबाउट अ क्रीक, क्रीक इन द सेंस रिवर, रिवर होता है क्रीक मीन्स, इन हर पोम। सो यू नाउ नो दैट क्रीक इज अ वाटर बॉडी, सो कंप्लीट द वर्ड वेब गिवन बिलो बाय द राइटिंग विथ अदर वाटर बॉडीज यू कैन थिंक ऑफ डिस्कस विथ योर टीचर्स। तो अब आपको कुछ वाटर बॉडीज के बारे में बताना, जैसे ये देखो, लुक दिस थिंग वाटर बॉडीज, ओके? नाउ जैसे कौन सा वाटर बॉडीज होता है, लेक, रिवर, सी, पॉन्ड, ओशियन एंड स्ट्रीम्स। सो यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस, यू कैन सी क्लियरली, आई होप कि आपको देख रहे हैं। पहला क्या है वाटर बॉडीज में, भाई नदियाँ हो सकती है,
समुद्र हो सकते हैं, तालाब हो सकता है, खाड़ी हो सकता है, सम ओशियन महासागर हो सकता है, और लेक झीलें हो सकती है। ये सब क्या है? दीज ऑल आर दी वाटर बॉडीज। ओके नाउ नेक्स्ट लिसन टू द रिडल्स एंड राइट विच स्पोर्ट इज बीइंग रेफर टू इन द टेबल बिलो। तो अब आप को यहाँ पर कुछ रिडल्स दिए गए हैं, उनको पढ़ करके बताना है कि कौन सा गेम का नाम है। ओके जैसे पहला है रिडल वन में, रन एंड पास, रन एंड पास, एंड किक अ ब्लैक एंड वाइट बॉल, किक इट स्ट्रेट इन टू द गोल, सो विच फॉर मड डोंट फॉल, स्पोर्ट्स व्हाट स्पोर्ट्स एम आई, कि मैं कौन सा गेम हूँ मुझे बताओ। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे ही हम ये वर्ड देखते हैं रन एंड पास, तो हमारे मन में गेम का नाम अपने आप आ जाता है। क्या होगा इसका आंसर? फुटबॉल। क्या होगा? फुटबॉल। ओके योर आंसर विल बी फुटबॉल। फुटबॉल। नाउ नेक्स्ट सेकंड रिडिल। रिडिल मतलब बेटा होता है पहेलियां बुझाना। ओके नाउ से सेकंड वन, होल्ड योर ब्रेथ, सांस को रोकना है, से हुतु तू एंटिल यू टच वन और टू, टेक केयर टू कीप अ डिस्टेंस वाइड एज यू रन बैक टू योर टीम्स साइड, विच स्पोर्ट्स एम आई। तो मैं कौन सा गेम हूँ? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा गेम में हुतु तू होता है ना, सभी को पता है हुतु तू कौन सा गेम में होता है भाई? वो होता है कबड्डी। कौन सा? कबड्डी। ठीक है, आई होप कि ये इजी है, आप लोग कर लोगे। नाउ नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर प्ले टाइम यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। कि अब पैरा राइटिंग आपको लिखना है, और यहाँ जो क्लूज हैं कुछ दिए हुए हैं, इन क्लूज को इंक्लूड करते हुए यू हैव टू राइट डाउन अ पैराग्राफ। What time do I go out to play? Who do I play with? What games do we play? Which is my favorite game? What do we gain from playing together? When do we finish playing and go home? Now, time to answer. So, हमने एक पैराग्राफ लिखा है। Fun in the sun. Fun in the sun. My playtime adventure. Every evening when the sun is still bright but not too hot, so I eagerly rush outside to play. I play with my friends from the neighborhood who are always ready for a new adventure, and we play various games like tag, hide and seek, soccer, and my favorite game is soccer because I love dribbling the ball and scoring goals. Playing together, we learn teamwork, communication, and sportsmanship. As the day starts to wind down and the shadow grow longer, we reluctantly agree to that it's time to finish playing and head home for dinner. Despite being tired, we live with smiles on our faces, already looking forward to our next playtime escape. तो ये आपका पैराग्राफ था जो हमने गेम के ऊपर आप लोगों के लिए लिखा है। Fun in the sun, my playtime adventure. Okay. Now next. Next one, there are many indigenous games in India. Kho-kho is an example of an indigenous games. Or indigenous games are native to a region. So find out some native games of your state and other parts of India and launch rule and regulation of such games and play it with your classmates under the supervision of your teacher. To kuch game ke naam hai, indigenous game. कह रहा है कि कुछ गेम का नाम बताइए और रूल भी बताइए। सो जैसे कि खो खो का जिक्र है,
खो खो महाराष्ट्र गुजरात पंजाब में खेला जाता है। पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम्स वर टू टीम्स चेस एंड टेक प्लेयर्स ऑफ द अपोजिशन टीम। ठीक है ना, कबड्डी है ये ऑल्सो कहाँ खेला जाता है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, पंजाब में। अ कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स वेयर अ रेडर ट्राइज टू टैग अपोनेंट वाइल चैंटिंग कबड्डी 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 एंड रिटर्न टू देयर साइड विदाउट बीइंग टैकल्ड। तो ये था राइट। ओके सो नाउ आई थिंक दैट वी हैव फिनिश्ड ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर द विनर। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पोम। ओके आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू दैट एंड वी विल मीट वेरी सून विद द अनदर वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।